महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल लागला. सुनावणी दरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पुन्हा आता निकाल वाचनात राज्यपालांच्या निर्णयावर बोट ठेवण्यात आलं. अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलवणं गैर आहे असं सांगतानाच राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही अशा कठोर शब्दात त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. आता यावर कोश्यारींनी बोलताना अगदी सावध प्रतिक्रिया दिली. कोश्यारी नेमकं काय म्हणालेत ते आधी पहा. देखिए, मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ. 3 महीने हो चुके हैं और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ. और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है. उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे. मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूं नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूं और विधायी परंपराएं जानता हूं. उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा. लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना विवेचना करना. ये एनालिसिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है. कोश्यारी साहब, एक चीज़ आपको सही लगा था.